हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। उससे पहले क्या है हमारे पास, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन में। क्या है इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक सिक्वेंस। सिक्वेंस क्या होती है, सिक्वेंस हमारे पास कुछ डाटा है जिसको हम, कोई भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है जिसको हम अरेंज करते हैं। जैसे अगर हमने डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज किया उसको हम क्या बोलते हैं कि सिक्वेंस, कि सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना डाटा को। अब हमारे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको देखते हैं। इस सिक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सिक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे इफ़ अगर इट्स टर्म्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाई ए कॉन्स्टेंट नंबर। अगर उसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं कॉन्स्टेंट नंबर की, एक कॉन्स्टेंट नंबर पे। जैसे हमारे पास बाई एग्जाम्पल ले लिया हमने 2, उसके बाद 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 का आ गया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के बाद 11 आ जाएगा हमारे पास, 11, 14 अप टू ऐसे। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3। इसका भी 3, इसका भी 3। तो इंक्रीज हो रही है, नंबर है हमारे पास 3, एक कॉन्स्टेंट नंबर है जो इनके बीच का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, -14 आ जाए, -11 आ गया, -8 आ गया, -5, -2 आ जाए, ऐसे अप टू ऐसे भी हो सकता है। अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज दिखा दे, एक बार इंक्रीज दिखा दे। तो हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे सिक्वेंस होती है अगर उसकी, इफ़ इट्स टर्म्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसकी टर्म्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बाई ए कॉन्स्टेंट नंबर, एक कॉन्स्टेंट नंबर पे। कि एक हमारे पास परफेक्ट ये होगा कि ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस में इंक्रीज हो रही है, उसी डिफरेंस में डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। फिर हमारे पास आता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस को हम नोट करते हैं डी से, ठीक है। ऑन सब्जेक्टिंग एनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम इट्स नेक्स्ट टर्म। कोई भी हमारे पास टर्म दी गई है, अगर उसकी नेक्स्ट टर्म में से उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वी गेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। वो हमारे पास क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस है। जैसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी थी, इसका कॉमन डिफरेंस हम डी कैसे निकाल लेंगे। अब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 8, 5 - 2 कितना आया, 3 आ गया। दूसरा, अब थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, मींस जो हमारे पास टर्म है उसमें से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, 8 - 5 क्या आएगा आपके पास से, 3। इस तरह से हम करके दिखाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस होता है कि उन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे एनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म्स ले लो, चाहे फ्रॉम इट्स नेक्स्ट टर्म, कि उसकी नेक्स्ट टर्म में से उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है जर्नली वी डिनोट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अगर हम जर्नली लेके चलते हैं तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हमें डी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे, स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास स्मॉल डी। जैसे हमारे पास सिक्वेंस होती है, अगर जर्नली सिक्वेंस देखते हैं तो क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, ठीक है, ऐसे चलती जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है कि कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दे रखी है, दो सीक्वेंस दे रखी है मान लिया, एक तो सीक्वेंस दे दिया आपको 1, 3, 4, 6, 8 ऐसे दे रखी है, ठीक है। दूसरी आपको सीक्वेंस दे रखी है मान लिया 5, 10, 15, 20 ऐसे। अब ये दोनों, ये पूछ रखा है कि ये दोनों एपी है या नहीं, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, अगर इन सभी का कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो क्या बोल देंगे, विद इन एपी, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो क्या बोल देंगे, नॉट इन एपी। अब कॉमन डिफरेंस देखो, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2,
थ्री और फोर का डिफरेंस कितना है, वन, फोर और सिक्स का टू, इनका कितना है टू। अब देखो ये टू है, ये टू, ये टू, बट ये कितना है वन। अगर सब इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, नॉट इन ए पी, नॉट इन ए पी की ये जो टर्म, ये जो सिक्वेंस दी हुई है ये ए पी के अंदर नहीं है। सेकेंड है, अब देखो फाइव और टेन का डिफरेंस कितना आएगा, फाइव, टेन और फिफ्टीन का भी क्या है फाइव, इसका भी क्या आएगा फाइव, सभी का डिफरेंस इक्वल है तो क्या बोल देंगे, सिक्वेंस इन ए पी की ये जो सिक्वेंस दी हुई है ये किस में है, ए पी में। आगे देखते हैं, इफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पीज, आपको क्वेश्चंस आ जाएगी कि नहीं ए पी की कि नहीं भी तीन टर्म्स का सम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किन तीन टर्म्स का सम दे रखा है आपको, तो आप उस टाइम पे टर्म्स क्या लोगे, उसके लिए फॉर एक ले लेंगे a माइनस बी ए और a प्लस डी, ये तीन टर्म्स रखेंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी। अगर फोर टर्म्स बोल दें तो क्या लिखेंगे, a माइनस थ्री डी ए माइनस डी, ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। अगर हम ये ऐसे टर्म्स लिखेंगे तो उससे हमें थोड़ा इजी होगा, मान लीजिए सम दे रखा है आपको तो सभी को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी से ये कैंसिल, थ्री डी से थ्री डी कैंसिल, फोर टाइम्स क्या हो जाएगा a, a की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे हम यहाँ से, a की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी, अगर पांच टर्म पूछ रखी है आपसे कि नहीं भी फाइव टर्म्स का सम दे रखा है, तो वो टर्म्स हम कैसे नोट करेंगे, a माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी और a प्लस ए टू डी। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन ए पी, किसी भी ए पी की nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास जर्नली फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान लिया हमारे पास कोई भी सिक्वेंस दे रखी थी, जैसे ऊपर लिख रखे थे मैंने 2, 5, 8, 11, 14, ये सीक्वेंस दे रखी है। अब यहाँ से हमने निकाला a, a हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आई 2। फिर हमने निकाला d, d हमारे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 3, इनका डिफरेंस भी क्या है, सभी का डिफरेंस 3 है, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 3। फिर हमारे से ये पूछ लिया है कि इसकी 20th टर्म निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म तक तो निकाल रखे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि इसकी 10th टर्म बताओ क्या होगी, 10th टर्म मीन्स a 10 लिखेंगे उसको हम, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, प्लस n की वैल्यू क्या है n, हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ टर्म कितनी निकालनी है 10, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 प्लस 10 में से बन जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 कितना आएगा 29। जब हम इस सीक्वेंस में चलेंगे 10th नंबर पे जो हमारी टर्म आएगी वो क्या आएगी 29। ऐसे हम निकालते हैं इसकी nth टर्म। कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे, 10th पूछ सकता है, 12th पूछ सकता है, 100 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास If A, B, C, R, N, A, P, अगर ये बोल रखा है कि कोई भी तीन नंबर दे के A, B, C, R, N, A, P, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल आएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, तो क्या आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B आ जाएगा। अब इधर माइनस B है, माइनस B को इधर ले आए दोनों प्लस हो जाएंगे, और माइनस A को इधर लेके आए प्लस A हो जाएगा, तो B B कितना आ जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इट मीन्स हमारे पास अगर कोई टर्म ए पी में दे रखी है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी 2B इज इक्वल टू A प्लस C। जैसे हमने पीछे टर्म लिख रखी थी 2, 5, 8 ऐसे अप टू 11 ऐसे लिख रखी टर्म, तो हमारे पास क्या है 2B, B हमारे पास क्या है, ये A टर्म है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे चल रही है हमारे पास। B का 2 टाइम्स मीन्स 5 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा C प्लस A, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब आपको न्यूमेरिकल की बजाय, जैसे आपको डिजिट्स की बजाय, नंबर्स की बजाय ए बी सी ऐसे दे रखा है हमें, एक्स वाई जेड में दे रखी है, तो हम क्या रिजल्ट यूज़ करते हैं 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, किन्हीं भी एन टर्म्स का सम, मान लिया आपको ये दे रखी थी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, क्या है हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 अप टू ये दे रखा है,
एस एन हमें बताना है कि सम ऑफ एन टर्म्स से। अगर इसमें ये पूछे कहे कि सम ऑफ एन टर्म्स बोल दिया आपको, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है सभी का 3 है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो एस एन निकालेंगे। हमें निकालना है 10 टर्म्स का सम, सम ऑफ ए 10 टर्म्स, सम ऑफ ए 10 टर्म्स, 10 टर्म्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, एस 10 इज इक्वल टू 10/2, 2 ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 10 माइनस 1 और डी, डी की वैल्यू क्या है 3। अप्लाई कर देंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, इधर 5 टू 2 जा 4 प्लस 10 में 7 जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 क्या आ जाएगा 31, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारे पास 10 टर्म का सम कितना आएगा 155। फिर हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, इसी को निकालने के लिए मान लिया हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। अभी हमने पीछे 10th टर्म निकाल ली थी, इसी से 10th टर्म हमारी कितनी आई थी 29, तो अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है, आपको इस एपी को ऐसे दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14 up to 29, इन टर्म्स का सम निकालो कि इस एपी में 29 टर्म जब आएगी ना वहाँ तक सम निकालना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये किस नंबर की टर्म है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, जब हमें लास्ट टर्म दी होती है तब हमारे पास एस एन, एन हमारे पास क्या दे दिया, मान लिया कोई भी नंबर दे रखा है कि 10 टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि एन तो हमारे पास होगा गिवन, ये टोटल टर्म्स कितने हैं 10 है, लेकिन यहाँ तक हमें बीच के डिजिट ही नहीं निकाल रखी है, तो क्या निकाल देंगे एस 10, क्या आ जाएगा 10/2, ए की वैल्यू क्या है 2 और एल की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी है 29, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, 29 प्लस 2 कितना आएगा 31 और इसकी मल्टीप्लाई 155। तो हम किसी भी मेथड से निकालें हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। बट ये सेकंड जो हमारे पास मेथड है ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है, व्हेन एल लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हमें फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ये था हमारे पास चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।